हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग हब में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जमशेदपुर के सौरभ के बारे में। इनकी फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई है, तो ये हमारे झारखंड और देश के लिए काफी गौरव की बात है। तो हम लोग वी विल ओनली डिस्कस दोस पॉइंट विच इज वेरी रेलिवेंट टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो बात करेंगे हम लोग, क्या मूवी के बारे में थोड़ा बात करेंगे, मूवी क्या नाम क्या है और किस पर आधारित है, और इनके बारे में थोड़ा बात करेंगे सौरभ के बारे में। तो सौरभ जो है, सौरभ का जो प्राइमरी एजुकेशन हुआ जमशेदपुर में हुआ, ये जमशेदपुर के ही रहने वाले हैं। इनके पिताजी का नाम है अशोक तिवारी, जो कि एक रिटायर्ड दरोगा हैं और ये भी जमशेदपुर में ही जादूगोड़ा में पदस्थापित थे। तो ये उनकी जो फैमिली के बारे में है, और इनकी भी एजुकेशन जमशेदपुर से ही स्टार्ट हुई, मानगो हिल व्यू में ये रहते थे। इनकी फिल्म का नाम है टेलिंग पॉन्ड, जो कि एक 40 मिनट की लघु फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है। इस शॉर्ट फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। 93 एकेडमी अवार्ड में हिस्सा लेने के लिए इनको केसीसी के द्वारा पत्र भी मिल चुका है। तो आइए चलिए थोड़ा बहुत और इसको डिस्कस करते हैं, इस फिल्म के बारे में कि ये फिल्म एक्चुअली किस चीज पर आधारित है। तो जादूगोड़ा आपने नाम सुना होगा, यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है पूरे देश में। जब भी आपने कभी झारखंड का जीके पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा कि देश में एकमात्र जगह यूरेनियम का खनन जहां पे जादूगोड़ा में होता है, जो कि जमशेदपुर में ही स्थित है। ठीक है, तो ये जमशेदपुर में रहने वाले जादूगोड़ा में जो इनके पिताजी जब पदस्थापित थे एज अ दरोगा, तो वहां पे ये भी रहते थे। तो उसी पृष्ठभूमि में रहते हुए इनको ख्याल आया, वहां पे उन्होंने देखा जादूगोड़ा में रहने वाले, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जीवन शैली को देखा, और फिर इन्हें आइडिया आया कि इनपे एक मूवी बनाया जाए। तो उनकी जीवन शैली, जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं जादूगोड़ा, उनकी जीवन शैली पर एक्चुअली ये मूवी बेस्ड है, उनके रहन सहन जीवन शैली पे ये मूवी बेस्ड है। तो ये आपको जानकर थोड़ी बहुत एक और बात हैरानी होगी कि ये जो मूवी है टेलिंग पॉइंट, इस मूवी को भारत में अब तक करीब 50 अवार्ड मिल चुके हैं, और इस फिल्म को न्यूयॉर्क में 25 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं। तो काफी मतलब गर्व की बात है। मैं तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दिस मूवी, और ये देखता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि कहां पे ये मूवी मिलेगी मुझे, टेलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये बात रही जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, कि ये मूवी जो लघु श्रेणी की है, शॉर्ट कैटेगरी में है, और इसको नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर के लिए। और सौरभ के बारे में मैंने बताया कि सौरभ का पूरा नाम सौरभ विष्णु है, और इनको शॉर्ट में सैम भी पुकारा जाता है। इनके पिताजी रिटायर्ड दरोगा है, जिनका नाम अशोक तिवारी है, जमशेदपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये है थोड़ा और बहुत, देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। जादूगोड़ा में लोगों की बदहाली देख के फिल्म बनाने का इनको आइडिया आया था। सैम ने बताया कि उन्होंने इंटर तक की पढ़ाई जो साक्ची स्थित राजेंद्र विद्यालय से की है। इनकी जो इंटर का एजुकेशन हुआ था राजेंद्र विद्यालय से हुआ, और इन्होंने फिर NIT आदित्यपुर से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की। उसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क चले गए। ठीक है, तो ये इनका एजुकेशन बैकग्राउंड काफी अच्छा है, न्यूयॉर्क चले गए पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करने के बाद इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, फिर उसके बाद शहर आए। शहर आने के बाद थोड़े बहुत इधर उधर घूमे, तो जादूगोड़ा के बारे में पता चला, क्योंकि पापा उनके जो जादूगोड़ा थाना में ही पदस्थापित थे। उसके बाद वहां की बदहाली देख करके इनको आइडिया आया, और इन्होंने न्यूयॉर्क में चर्चा किया, और फिर आगे का आपको मैंने बताया कि फिर ये मूवी के रूप में अभी आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो है समाप्त करता हूं। होपफुली आपको जो फैक्ट्स जानने थे वो फैक्ट्स आपको मिल चुके हैं इस फिल्म के बारे में, इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। तो ये वीडियो यही समाप्त करता हूं। अगर आपको पसंद आया, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर कुछ और मिलता है मुझे झारखंड करंट अफेयर से रिलेटेड, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो वो मैं आपके समक्ष लेकर आऊंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।